जब तुम मटेरियल प्रॉपर्टी दे रहे हो उसके साथ और क्या करना होगा, और क्या चाहिए? तुमने जब हमने कल प्रॉब्लम सॉल्व किया था पीएल क्यूब अपॉन 48 EI, उसमें क्या क्या था? पी क्या था? पी लोड था, हमने लोड लगा दिया। उसके बाद लेंथ लेंथ, हमने जियोमेट्री में लेंथ डाल दिया। उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब मटेरियल है ना। तो यहाँ या तो डायरेक्टली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डालो या फिर बता दो कि भाई स्टील है कॉन्क्रीट है जो भी है। उसके बाद लेंथ तो बता दिया ज्योमेट्री में आ गया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, और क्या बचा? टाइम आई। आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड टू क्रॉस सेक्शन है ना, बताना है उसका सर्कुलर है ट्रेपेजॉइडल है रेक्टेंगुलर है। सो हमने अभी तक देखो इसमें वही किया पी एल क्यू अपन 48 EI, तो पी लगा दिया है ना। ये जो लोड है यूडीएल के फॉर्म में है जो भी है, तो हमने लोड लगा दिया। नेक्स्ट हमने इसका ज्योमेट्री बना दिया, मतलब लेंथ दे दिया, राइट, लेंथ हाइट जो भी था। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वी हैव गिवन द मटेरियल प्रॉपर्टी एंड देन द क्रॉस सेक्शन एरिया इज स्टिल रिमेनिंग, देन यू हैव टू असाइन द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो 5 स्टेप्स बताया ना, ज्योमेट्री, मटेरियल प्रॉपर्टी, लोडिंग और क्या था, क्रॉस सेक्शन और सपोर्ट, ये 5 ना कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लो, अगर तुम्हें ये 5 बेसिक चीजें याद है ना, तो सॉफ्टवेयर में तुम ये चीज ढूंढ लोगे। अब देख तो हम देखो हम सॉफ्टवेयर में कैसे ढूंढते हैं। तुमने कभी नहीं देखा ये सॉफ्टवेयर, लेकिन तुमको ऐसे ये देखते ही पता चलेगा कि देखो हमने क्या बात किया, प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया, तो प्रॉपर्टी स्टेप में तुम्हें आके क्या मिलेगा, मटेरियल्स है ना, दिख रहा है सबको, मटेरियल्स मिल रहा है। उसके बाद हमने हमें क्रॉस सेक्शन असाइन करना होगा, तो ये चीज इन्होंने यहीं पे दिया हुआ है, यहाँ पे जाओगे तो सेक्शन असाइन कर पाओगे, यू कैन असाइन द मटेरियल एज वेल एज द सेक्शन। नेक्स्ट उससे पहले हमने क्या बात किया, हमने ज्योमेट्री, राइट, इजंट इट, सो ज्योमेट्रिकली ये दोनों यूज होगा। देखो नोट्स एलिमेंट्स तुम्हें थोड़ा बहुत मैंने आइडिया बताया था ना सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है पहले एक दो क्लासेस में बताया था सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत कैसे उसको ब्रेक करके एनालाइज करता है चीजों को, ठीक है। तो एलिमेंट जैसे मान लो ये पेन एक एलिमेंट है, अगर ये पेन का 2 एंड कंसिडर करूंगा तो ये पेन को बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे एक पॉइंट चाहिए जो ये एंड है ना, दूसरा एंड, इन दोनों के बीच में ये जो शेप अगर डाल दूंगा तो ये पेन बन गया है ना। प्राइमरीली दो दो पॉइंट चाहिए, ये 2 पॉइंट क्या डिसाइड करेगा, इसका लेंथ है ना, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो मेरा पेन बन गया, ठीक है। अब पहला पॉइंट पता है तो पेन बना सकते हो क्या, नहीं, दूसरे पॉइंट पता रहना चाहिए, दैट विल डिफाइन योर लेंथ, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको अगर देखो ये 2 ही नोड है अभी दिख रहा है, अभी देखो इसको मैं मल्टीपल कर देता हूँ नोड्स, अब कितने नोड आए, 1 2 3 4 चार नोड आए, लेंथ सेम ही है, देखो लेंथ सेम ही है, कुछ चेंज नहीं किया, अब कितने नोड्स आए, बीच में एक कॉमन नोड है, कॉमन नोड है, सो काइंडली ये सेट करेक्ट, ये 3 नोड आए, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसका 2 नोड है, इसका 2 नोड है, लाके जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ने का भी जो प्रोसेस है ना, ठीक है, अभी उतना ही समझ, जोड़ दिया, 3 नोड आया, पहले 2 था, 1 बढ़ गया। अब मैं इस साइड में भी अगर इसको खोल देता हूं तो कितने नोड्स आए, अब मुझे बताओ कितने नोड्स आए, इंडिविजुअली अगर देखेंगे तो इसका 2, इसका 2 और इसका 2, लेकिन अगर एक साथ देखेंगे तो, एक साथ देखेंगे तो 2 नहीं 4, देखो ये एक एंड ये जुड़ा, दूसरा तीसरा चौथा 4 नोड, ये चारों मिलके पेन बना रहा है। सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही काम करता है, अगर मुझे इसको एनालाइज करना होगा तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसको ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, पहले इसको एनालाइज करेगा,
ठीक है। तो अगर इसको मुझे एनालाइज करना है तो मैं पेन से लिख रहा हूं, राइट, मैं दूसरा एंड कंसिडर करता हूँ, दूसरा एंड, ठीक है। तो जब पेन से लिखते हो तो ये जो रिफिल है ये इस पे प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को पता है जो बाउंड्री कंडीशन में तुम बता रहे हो, लोड्स में तुम बता रहे हो, अगर इसको डिजाइन करना होगा तो कैसे करोगे, तुम्हें पता है ये जो पेन का रिफिल है, जब लिखोगे तो ये प्रेस होगा, तो पीछे फोर्स अप्लाई करेगा, राइट। सो तुम क्या करोगे, ये जो छोटा पार्ट है इसको किसके लिए अप्लाई एनालाइज करोगे, ये जो फोर्स आया है, ठीक है, उसके लिए एनालाइज किए। अब ये फोर्स इसके इस एंड में अप्लाई हो रहा था, तुम्हें पता नहीं है जो जिसमें ये पेन को कनेक्ट होता है वहां पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, नहीं पता। तो तुमने कोई भी एक मेथड से निकाला कि इसका एंड में जो फोर्स लग रहा था वो आके सरफेस पे, ये जो जहां पे ये पेन कनेक्ट होता है वहां पे कितना लगा, निकाला। तो मान लो ये जो रिफिल है ये 1 ग्राम का फोर्स लगा रहा था, ठीक है। अब तुमने उस 1 ग्राम का फोर्स को सर्कमफ्रेंस में पूरा डिवाइड किया, ठीक है, तो मान लो 0.11 ग्राम का आ गया। तो मुझे इसको एनालाइज करके क्या मिला, ये कितना फोर्स ट्रांसफर करेगा बाकी, ये पेन का जो जहां पे जॉइंट होता है इसमें ये फोर्स ट्रांसफर करता है बाकी, है ना। रिफिल इसके बैक एंड में लगाया, रिफिल उसके बाद इसने सर्कमफ्रेंस में हमें निकाल लिया कितना फोर्स। अब हमें इन दोनों को ज्वाइंट करना है, और ये जो फोर्स है यहाँ पे सर्कमफ्रेंस में जो मुझे 0.1 ग्राम फोर्स मिला वो मुझे इस पेन में ट्रांसफर करना है, राइट, तभी ना हमारा ये पेन लिखता है, ये सुन लो। इसीलिए देखना, कभी अगर ये फट जाता है तो तुम लिखते हो तो ये बाहर निकल जाता है, अभी अगर नहीं फटा हुआ है तो हमने सॉफ्टवेयर ने पहले इसको एनालाइज किया, फिर उसको पता चलेगा कि जब इस ये पोर्शन लेगा ना तो यहां से जितना फोर्स लाया था वो आके इसमें लगा देगा, ठीक है, फिर वो इसको एनालाइज करेगा। सो सॉफ्टवेयर भी इसी तरह ब्रेक करके एनालाइज करता है। सो ये जो इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, ये पेन सामने वाला कैप लेके 1 एलिमेंट, कितने नोट, 2 नोट्स है, ये दूसरा एलिमेंट कितना नोट, 2 नोट, ये भी 2 नोट है, दोनों को जोड़ दिए, अब कितना एलिमेंट, इंडिविजुअली देखेंगे अगर होल देखते हैं तो एक एलिमेंट है 2 नोड है, लेकिन मैं क्या बोल सकता हूं इसको कि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट को हम जब जोड़े तब मुझे एक एलिमेंट मिला। सो यहाँ पे भी वही चीज है, देखो ये जो एलिमेंट्स है ना, देखो यहाँ पे नोड्स, फिर तुम्हें क्रिएट एलिमेंट, है ना, तो 2 नोड को ज्वाइंट करोगे, हमने मार्क किया देखो 0 0 0, सो यहाँ पे वो अब मार्क 0 0 0, तो यहाँ पे एक देखो नोड क्रिएट होगा। अब इसको अगर शो करूंगा तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये नोट्स दिख रहा है, अगर मैं टॉप में जाऊंगा तो ये 1 नंबर 1, नंबर 1 लिखा हुआ दिख रहा है, थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड किधर से चेंज था, मैं भी बहुत दिन हो गया ये यूज नहीं कर रहा हूँ, डिस्प्ले डिस्प्ले व्यू, छोड़ जो भी हो, 1 दिख रहा है क्या, यहाँ पे एक ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है ना, वो 1 लिखा हुआ है क्योंकि हमने 1 नोड क्रिएट किया। अब दूसरा मुझे मान लो इस डायरेक्शन में चाहिए, ये कौन सा यूनिट में, हाँ ठीक, इस डायरेक्शन में एक्स के डायरेक्शन में मुझे 5 मीटर पे एक नोड चाहिए, मान लो ये पेन का लेंथ है 5 मीटर, ठीक है, तो मैंने एक्स के डायरेक्शन में 5 चाहिए ना, तो मैंने 5 डाला, वाई एंड जेड 0, सॉरी सर मैं गलत जगह पर हो गया, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये 5 के डायरेक्शन में चाहिए, आई हैव अप्लाइड, देखो आया 5 मीटर पे, एक दूसरा पॉइंट दिख रहा है ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है, दैट इज योर एट अ डिस्टेंस ऑफ ब्लू या ग्रीन, पता नहीं क्या है, ये थोड़ा कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। इधर दूसरा नोड आ गया, मतलब ये 2 नोड आ गया, अब मुझे एलिमेंट बनाना है, सो आई विल गो टू क्रिएट एलिमेंट, आई विल गो टू क्रिएट एलिमेंट,
अब इन दो नोड को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे एलिमेंट्स मिल जाएंगे फर्स्ट एंड देखो सेकंड एलिमेंट बन गया राइट तो हमने क्या बनाया इसका ज्योमेट्री करेक्ट नहीं होगा लेकिन समझो कि अभी हमने फ्रेम का एग्जांपल हमने पूरा फ्रेम बनाया राइट फ्रेम को अगर ऐसे ही बनाना होगा तो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स डालना होगा मल्टीपल नोड्स का दो नोड में तो पूरा फ्रेम बनेगा नहीं तुम्हें सारे नोड्स का कोऑर्डिनेट्स डालना होगा जैसे हमने अभी यहाँ पे लिया था मान लो तुम्हें ये वाला कोऑर्डिनेट्स डाला फिर तुम्हें पता चलेगा कितना हाइट पे है तो वाई डायरेक्शन में तुमने कोऑर्डिनेट डाला राइट फिर तुमने ये नोड चाहिए तो एक्स डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स डाला एंड देन यू हैव कनेक्टेड ईच ऑफ दिस नोड्स नेक्स्ट व्हाट विल बी माय नेक्स्ट प्रोसेस क्या है लोड या फिर आइदर लोड और सपोर्ट और क्रॉस सेक्शन और मटेरियल ठीक है ये कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है ऑल आर इंडिपेंडेंट तुम कोई भी एक ये पे अप्लाई कर सकते हो तो एक काम करते हैं हम पहले इसका बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे जाके डिफाइन सपोर्ट सो सपोर्ट में अगर सिंपली सपोर्टेड कंडीशन है इफ आई वॉन्ट टू डिफाइन सिंपली सपोर्टेड कंडीशन सो सी दिस इज एक्स दिस इज वाई एंड इसका परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन आ गया What will be the support on one of the end? Simply supported कैसे होता है? Hinge plus roller. So let us provide hinge. So hinge के लिए हम पहले इसको select कर सकते हैं. देखो इसको लेके ऐसे. You can directly select it. देखो. You just make a rectangle ऐसे. सिलेक्ट हो जाएगा ओके एंड यू कैन यूज दिस वन टू डी सिलेक्ट इट सो आई विल जस्ट सिलेक्ट द नोड ठीक है सी कैन यू सी द चेंज यहां पे एक डॉट दिख रहा है कुछ और कलर का देखो ये अनसिलेक्टेड नोड है अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करूंगा ना इसका भी कलर चेंज होगा देखो ये देखो हाईलाइट हुआ थोड़ा सा हुआ अभी इसको अनसिलेक्ट करना है सबको So I'll just go over here, unselected. So मुझे इस एंड पे हम हिंज लगाते हैं हिंज के लिए क्या कंडीशन है वाई डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है यस और नो हिंज में वाई डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है यस और नो यस और नो कैसे होगा हिंज में तुम्हें बेसिक नहीं पता यार तुम लोग ये दरवाजा खींचोगे तो इधर आएगा क्या बाहर निकल के आएगा तो ना x जा सकता है ना y ना z हिंज में सो व्हाट आई विल डू आई विल ब्लॉक ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये dx dy और dz जो है ना ये बताता है ट्रांसलेशन डू यू अंडरस्टैंड ट्रांसलेशन सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन है ना एंड दिस इज कॉल्ड रोटेशन दिस इज कॉल्ड रोटेशन दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन सो x में भी पॉसिबल नहीं है dx ब्लॉक dy ब्लॉक dz ब्लॉक रोटेशन सारा हम फ्री रखते हैं राइट वी आर कंसीडरिंग फॉर ए 3D केस If I just press, rotations सारा free रहेगा okay I'll simply click apply. देखो यहां पे ये चीज दिख रहा है कैन यू सी दिस ये अगर इसको अच्छे से देखोगे ना तो ये देख के भी पता चलेगा कि तीन ब्लैक है और तीन ब्लू है ब्लू या क्या बोले ग्रीन क्या कलर है ये ग्रीन सो तीन ब्लैक है तीन ग्रीन है तो जो ब्लैक है ना वो सारा डिस्प्लेसमेंट है और राइट साइड में तीन जो दिख रहा है ना इसका इसको अगर अच्छे से देखोगे ये जूम नहीं होता है इशू है इसके ठीक है
ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट है, इसमें तीन, जैसे ये ब्लैक में तीन है वैसे ये तीन ट्रायंगल है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे तीन ही रेस्ट्रिक्ट किया ट्रांसलेशन, सो दैट्स वाई थ्री ब्लैक्स आर देयर। अगर मैं रोटेशन भी फिक्स करूंगा तो ये जो पूरा ही ब्लैक हो जाएगा। अब एक साइड में हमने हिंज अप्लाई किया, दूसरे साइड में हमें रोलर चाहिए। सो सेम प्रोसेस, सिलेक्टेड एंड इन रोलर वी कैन अलाउ द मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन, राइट। आई विल अलाउ द मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ओके, एंड आई विल ब्लॉक ऑल द रोटेशंस। आई विल नॉट अलाउ एनी ऑफ द रोटेशंस। लेट इट बी फ्री, और रोटेशन को भी फ्री रखते हैं, बिकॉज रोलर में एक ही रिएक्शन आता है। ये सेव करने के लिए पूछ रहा है, सो आई विल जस्ट सेव इट एज सिंपली सपोर्टेड। सो हम सिर्फ इसको वाई एंड जेड ही ब्लॉक कर रहे हैं, विल नॉट ब्लॉक एनी ऑफ द रोटेशंस। देखो, ओके सॉरी मैंने गलत बताया, जो फ्री रहता है वो ब्लैक रहता है, ठीक है। देखो इसमें कितने फ्री हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, छह। इसमें हमने कितना ब्लॉक किया, दो, तो कितना फ्री है, छह डिग्री ऑफ फ्रीडम था। देखो डी एक्स डी वाई डी जेड, आर एक्स आर वाई आर जेड, हमने दो ब्लॉक किया तो कितना फ्री है, चार फ्री है। तो यहाँ पे चार तुम्हें काउंट कर रहे हो, चार ट्राइंगल होगा, देखो चार ब्लैक, अगर अच्छे से देखोगे तो चार दिख रहा है। और यहाँ पे हमने तीन ही ब्लॉक किया था, तीन फ्री था, तो देख इसीलिए देखो जो फ्री रहते हैं वो डार्क कलर रहते हैं, ब्लैक, राइट। अब हमने बाउंड्री कंडीशन असाइन कर दिया, नेक्स्ट क्या होगा, लेट अस चूज अ बाउंड्री मटेरियल प्रॉपर्टी। सो आई विल जस्ट गो टू द मटेरियल एंड आई विल अप्लाई यूज स्टील। तुम यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अगर आईएस का चाहिए इंडियन, ये डिफरेंट जैसे EN हो गया, फिर BCI, GB, मतलब इंटरनेशनल कोड्स का है। इफ यू वांट यू कैन सिलेक्ट इंडियन एज वेल, यहाँ पे है सी ASTM अमेरिकन, BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड, मत हिलाओ टेबल मत हिलाओ। देखो IS इंडियन स्टैंडर्ड, तो तुम कुछ भी ले लो चलेगा। अब देखो जैसे इंडियन स्टैंडर्ड तुमने लिया, राइट, चूज द सेक्शन। हम इसमें से FE 290, दीज आर स्टील सेक्शन, स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ना, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में ऐसे 415 नहीं रहता है, 415 500 मिलता है क्या, नहीं, उसमें ऐसे 410 तुम्हें मिलता होगा, राइट, 440 लाइकवाइज 410 मिला होगा, 410 मिला होगा ना, FE 410 स्टील स्ट्रक्चर में। आई विल यूज FE 410। नाउ जैसे ही होगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना रहता है, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू ऑफ स्टील। देखो यहाँ पे आ गया, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, इसीलिए देखो 2 × 10⁸ न्यूटन पर एमएम में लाओगे तो 2 × 10⁵ भी आएगा। यू कैन चेंज द यूनिट फ्रॉम हियर एट द बॉटम, यू कैन चेंज द यूनिट। सो यू हैव डिफाइन द मटेरियल प्रॉपर्टी FE, यहाँ पे तुम नाम अपना डाल सकते हो, जो भी मटेरियल डाल रहे हो, क्लिक ओके। नेक्स्ट मटेरियल असाइन किया तो हमें क्रॉस सेक्शन बताना होगा, सो लेट अस टेक अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। विल टेक यूजर, यूजर में जा सकते हो, आई जस्ट चूज अ सॉलिड राउंड एंड यूजर बोल के यहाँ पे डायमीटर, मतलब DB मतलब डाटाबेस। तुम ओरिजिनली डाटाबेस जो है इंडियन स्टैंडर्ड का, वहां से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। यूजर बताएगा कि तुम खुद से डायमीटर डाल सकते हो, ठीक है। सो लेट अस गिव 50 mm, सो दैट विल बी 0.05 मीटर, राइट। जैसे 0.05 मीटर देखो यहाँ पे बन गए। अब मैं अगर इसको बढ़ाऊंगा ना, कमाऊंगा ना, देखो ये ऑटोमेटिक तुम्हें यहाँ पे ये चीजें जो भी शेप का रहेगा वो आते रहे। सो आई यूज 0.05 50 mm, आई नेम इट एज सर्कुलर
ये जो प्रोसेस है ना, ये तुम अगर स्टेट में निकाल के देखोगे ये भी सेम है, बस यूजर इंटरफेस थोड़ा सा गलत इधर उधर होगा। सो अगर कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है, किसी ने अगर स्टेट यूज किया है, सो यू कुड बी एबल टू इजिली आइडेंटिफाई, प्रोसेस इज सेम, क्लिक ओके हमने डिफाइन किया। नाउ वी हैव टू टेल द सॉफ्टवेयर कि भाई ये जो तुम्हारा हमने जो एलिमेंट बनाया इसका मटेरियल प्रॉपर्टी क्या है, यू हैव टू टेल द सॉफ्टवेयर अबाउट इट। सो जो हमने क्रिएट एलिमेंट में गए थे ना, द मोमेंट वी हैव ट्राई टू क्रिएट एलिमेंट इन दिस सॉफ्टवेयर, यू हैव एन एडवांटेज कि जब तुम इसको कनेक्ट करते हो ना तभी तुम ये एलिमेंट असाइन कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं किया है तो अभी फिर से कर सकते हो। यू जस्ट मैं अनसिलेक्ट करता हूं, मैं सिलेक्ट करता हूं, आई विल सिलेक्ट इट, आई विल सिलेक्ट द एलिमेंट एंड क्रिएट एलिमेंट में जाओ, सिंपली सिलेक्ट द एलिमेंट एंड देखो हमने जो बनाया था आया यहाँ पे, देन हमने सर्कुलर बनाया था, वहां पे जो भी नाम डालोगे वो आएगा। लेट एवरीथिंग बी एज इट इज एंड सिंपली अप्लाई। ओके एक मिनट, मुझे ये डिलीट करना होगा। एक्चुअली इसमें ऐसे ये नहीं कर सकते, तुमको ड्यूरिंग क्रिएशन ही तुम्हें ये अप्लाई करना होगा। तो जस्ट डिलीट इट। जस्ट गो ओवर हियर, क्रिएट एलिमेंट, सो नाउ द क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज आर असाइंड ओवर हियर। तुम दूसरे ट्री मेनू में अगर जाओगे यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पे हाईलाइट करूंगा सो ये इट इज गेटिंग हाईलाइटेड, दैट मीन्स द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दैट वी हैव मेड हैज बीन असाइंड, राइट। देखो सपोर्ट कंडीशन अगर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, 3-1 है, मतलब 3 ब्लॉक है, और यहाँ पे 2-1 है, मतलब 2 ब्लॉक है। तो याद करो सपोर्ट में हमने यही चीज किया था। सो नाउ वी हैव डन आवर सपोर्ट कंडीशन, देन द बाउंड्री कंडीशन एंड द मटेरियल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज लोड असाइनमेंट, सो आई जस्ट हैव टू असाइन अ पॉइंट लोड। मुझे इसके लिए एक पॉइंट लोड चाहिए। अब पॉइंट लोड अप्लाई करने के लिए आई हैव टू क्रिएट अ नोड एट द सेंटर, या तो अगर पॉइंट लोड अप्लाई करना है तो हमें सेंटर पे करना है, तो यहाँ पे मुझे नोड बनाना होगा। एल्स इफ यू वांट टू अप्लाई अ यूडीएल फिर ये नहीं चाहिए, यू डोंट हैव टू गो फॉर दैट नोड क्रिएशन। अगर तुम्हें इस तरह से यूडीएल अप्लाई करना है तो सिंपली इसको सिलेक्ट करो, देन द वैल्यू विल बी लेट्स से माइनस, ये किलोन्यूटन मीटर में है तो लेट्स से -10 किलोन्यूटन मीटर में अप्लाई करता हूँ। गो फॉर दिस लोड केस नेम, मुझे एक लोड केस नेम बनाना होगा। यू हैव टू टेल द व्हाट टाइप ऑफ लोड इट इज, यूडीएल डेड लोड, सिंपली एड यहाँ पे ये आ गया अप्लाई। सो देखो ये 10 किलोन्यूटन ऑफ यूडीएल हैज बीन अप्लाइड ऑन इट, लेकिन ये ग्लोबल जेड डायरेक्शन में अप्लाई हो गया है। सी हमने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, सो इफ आई जस्ट गो ओवर हियर देखो ये जेड डायरेक्शन में अप्लाई हो गया। ओके ठीक है चलेगा। सो इफ आई जस्ट शो यू, ओके सी कैन यू सी दिस, दिस इज अ साइन ऑफ यूडीएल। सो हमने क्या लिया, तुम ये प्रॉपर्टीज लिख लो, कैलकुलेट करके मुझे बताना कि वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं। लिखो यहाँ पे जो भी हमने प्रॉपर्टीज अभी डाला है वो लिख लो, हम क्रॉस चेक करेंगे कि रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं। एक पेपर पे लिख लो, स्पैन हमने कितना लिया था 5 मीटर,
हरी अप जल्दी करो, कोई एक लिख लो, बाकी शेयर कर देना। स्पैन 5 मीटर, स्पैन लिखा 5 मीटर, देन क्रॉस सेक्शन सर्कुलर था, इट्स डायमीटर वाज 0.05 मीटर, और क्या था, मटेरियल स्टील था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख लो 2 × 10⁵ N/mm², 2 × 10⁵ N/mm², और क्या चाहिए हमें, लोड, लोड हमने अप्लाई किया 10 kN/m, 10 kN/m यूडीएल अप्लाई किया, वी हैव अप्लाइड यूडीएल, सारा प्रोसेस कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ बचा है, हमें पहले फ्रेम बनाया, नेक्स्ट मटेरियल, क्रॉस सेक्शन, लोड, और क्या बचा, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई, कुछ बचा है? नहीं, एवरीथिंग इज डन, आई जस्ट परफॉर्म द एनालिसिस, ये बहुत इजी है, सिंपल मॉडल है, तो जल्दी एनालिसिस हो गया। नाउ आई विल गो टू द रिजल्ट एंड आई विल क्लिक द डिस्प्लेस कंट्रोल, मुझे कौन सा डायरेक्शन, देखो जेड डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया है लोड, डायरेक्शन देखना है ना, तो तुम्हें ये जाओ, देखो एक्स मार्क किया हुआ है, वाई इधर है और जेड इज योर वर्टिकल, गॉट इट। हम एक मिनट, हम थोड़ा इसको ये देख लेते हैं, बाउंड्री कंडीशन हमने किस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, वी हैव ब्लॉक एक्स वाई जेड, हाँ करेक्ट है, कोई दिक्कत, आई जस्ट गो टू द रिजल्ट एंड गो टू द डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल, यूडीएल देखो जो हमने लोड केस बनाया था, तुम्हें ये स्टेट में भी लोड प्लेस बनाना है, अब हमको किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वी नीड इन जेड डायरेक्शन, राइट, वी नीड एज वैल्यू एज वेल, यू कैन एनिमेट इट, सो इफ आई जस्ट गो फॉर दिस, रिफॉर्म देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ है, अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है ना, देखो मैं यहाँ पे लेजेंड में जाता हूँ, सब जीरो जीरो आ रहा है, क्यों, यहां से हमें एक एक गलती से यहां से एक चीज सीखने को मिलेगा, यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन था ये वर्टिकली रेस्ट्रिक्टेड था, रोलर था ना, नीचे जाने नहीं देगा, इधर भी नीचे जाने, हमने लोड क्या लगाया, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो टेक्निकली ये दोनों पोजीशन तो मूव नहीं हो सकते, मूव कौन सा होगा, बीच का सारे पोजीशंस, लेकिन बीच में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्यों, व्हाई, बिकॉज हमने कोई नोड डिफाइन नहीं किया है, राइट, हमें एक नोड डिफाइन करना होगा एट द सेंटर और एनी ऑफ द लोकेशन, तो इससे क्या सीखने को मिला कि सॉफ्टवेयर को, देखो हमें समझ में आ रहा था कि बीच में वैल्यू चाहिए था, सॉफ्टवेयर को नहीं समझ में आया क्योंकि हमने बताया नहीं, कि वो बस क्या ही समझता है, एक नोड और एक एलिमेंट समझता है, ठीक है, तो उसने देखो इन दोनों का रिजल्ट दिया, क्योंकि इधर जीरो होगा, सपोर्ट पे तो जीरो ही होगा ना,
I'll just go and again I'll be creating one of the element. मैं डिवाइड एलिमेंट करके ये जो एलिमेंट है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ टू पार्ट्स में, तो हमें सेंटर का डिस्टेंस मिल जाएगा, नंबर ऑफ डिविजन्स टू. यस, देखो बीच में एक नोड आ गया, आया. तो नोड्स को हमें अगर नंबरिंग से देखना है, सी वन टू एंड थ्री, थर्ड वाला लास्ट में क्रिएट किए इसीलिए ये थर्ड आया. अब मैं इसको बस एनालाइज कर लेता हूँ. अब तुम्हें इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा. रिजल्ट डिफॉर्मेशन स्पेस कंट्रोल यूडीएल डीजेड वैल्यूज एनिमेट एंड दिख रहा है. सी अगर मैं इसका थोड़ा सा स्केल बढ़ाता हूँ, आई शो यू द लेजेंड. सी कितना डिफॉर्मेशन आया सेंटर पे, 1294 दिख रहा है, 1294.67 यहां पे भी दिख रहा होगा. एक्स में जीरो है, वाई में जीरो है, बिकॉज एक्स वाई मूव नहीं कर सकता सेंटर में भी. हमने लोड लगाया नहीं, मूव कर सकता है, इट कैन मूव, हमने लोड लगाया नहीं. हमने जेड में लगाया था, वैल्यू लिख लो, माइनस 1294.166 माइनस 1294.166 mm, मतलब 1.2 मीटर आ गया, है ना, 1.294 मीटर आ गया. यूज द फॉर्मूला 5/384 WL/4 अपन EI, या फिर कल का जो डेरिवेशन बताया था, दोनों में से कोई भी एक यूज करो पर यूडीएल एंड चेक वेदर द वैल्यूज आर सेम ऑन नॉट. 5/384 WL/4 अपन EI. समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही बैठ के देख रहे हो कि टीवी में कुछ चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, जो सामने है वो तो मुझे दिख रहा है, बाकियों का पता नहीं. आई डोंट नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑन नॉट. अब इसका अगर डिफॉर्म शेप देखने जाऊंगा तो ये इस तरह से ट्राइंगुलर टाइप का दिख रहा है. वाई UDL में तो ट्राइंगुलर नहीं होना चाहिए, ऐसे पैराबोलिक होना चाहिए, बट ये ट्राइंगुलर क्यों दिख रहा है? नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं. ये जो डिफॉर्मेशन है, हमने UDL लगाया ना, UDL का डिफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? पैराबोलिक, पैराबोलिक होना चाहिए, लेकिन ये ट्राइंगुलर दिख रहा है क्यों? Why? क्योंकि बीच में हमने एक ही नोड लगाया है, तो वो एक ही नोड पे डिस्प्लेसमेंट देगा ना. अगर हम इधर भी नोड्स डालेंगे तब तो सॉफ्टवेयर को पता चलेगा कि भाई इधर बताओ कितना. अब देखो ये शेप चेंज हो जाएगा. मैं आपका क्या करता हूँ, नोड एलिमेंट में जाके क्रिएट एलिमेंट, आई विल डिवाइड द एलिमेंट. मैं एक काम करता हूँ, इसको मल्टीपल नंबर्स में डिवाइड करता हूँ. इसको करता हूँ 10 नंबर्स में, ये दोनों एलिमेंट्स को बीच में 10 10 नंबर में डिवाइड करता हूँ. यस, देखो कितना सारा नोड्स आ गया, है ना, राइट. नाउ यहाँ पे कितने एलिमेंट है, देखो ये एक एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके यू हैव नंबर ऑफ एलिमेंट. सो टू नोड्स मेक्स वन एलिमेंट, दो नोड एक एलिमेंट बनाते हैं, और मल्टीपल एलिमेंट मिलके देखो पूरा हमारा पेन बन गया, राइट. विल एनालाइज इट. तो इससे क्या सीखने को मिला, सॉफ्टवेयर नोट्स पे ही तुम्हें रिजल्ट देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, नोट्स पे ही डिस्प्लेसमेंट देगा, फोर्सेस तुम्हें एलिमेंट में मिलेगा. लेट अस जस्ट गो फॉर द डिस्प्लेस कंट्रोल, आई विल गो फॉर डिफॉर्म, I'll not go for legend, I'll go for values. Go. देखो मिला parabolic. अभी भी value यहाँ पे सेम ही होना चाहिए. 1294 देखो सेंटर पे. So इसको अगर animate करना है
इस तरह से फुल साइकिल एनिमेशन है। देखो इस तरह से डिफॉर्म हो रहा है ना, ये डिफॉर्म ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये, तुम्हें सॉफ्टवेयर दे दूंगा, सॉफ्टवेयर लेना है मेरे से आके ले लो, लेके प्रैक्टिस करो। क्या होता है तुम कब स्टार्ट करते हो, जब तुम्हें फाइनल ईयर में जाते हो अल्फ स्टेट सीखने, तुम डायरेक्ट बिल्डिंग बनाना चालू करते हो, ना एबीसी जानते हो तुम डायरेक्टली। सॉरी तो इसको भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इसमें जाके बीम डायग्राम्स में जाओ एंड देन क्लिक MY एंड एंड फॉर शेयर कोर्स क्लिक FZ एंड दिस यूज दिस दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखो तुम्हारा जॉब है, योर जॉब इज टू गिव मी, गो टू बाउंड्री कंडीशन, डिफाइन सपोर्ट, सब फिक्स कर दो, सिलेक्ट करो। सॉरी मुझे सारे नोट्स नहीं चाहिए, मुझे बस यही नोट चाहिए, सिलेक्ट करो एंड अप्लाई। देखो सारा फिक्स हो गया, रन नहीं। सो मैं कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड दोनों का ही दिखा दिया है, मुझे इसका रिपोर्ट चाहिए नेक्स्ट वीक विथ रिपोर्ट, यू हैव टू बी रेडी। नेक्स्ट वीक हमारा ऑटोकैड का सेशन भी है, बट यू हैव टू बी रेडी विथ योर डिफॉल्ट डिस्प्लेस कंट्रोल में चले जाओ, डिफॉर्म वैल्यूज देखो। हाँ देखो इस तरह से यू कैंटिलीवर का आता है राइट, दिस इज द कैंटिलीवर ठीक है। अब हम कैंटिलीवर का शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं, लेट अस चेक द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो आई विल चेक शियर फोर्स FZ, ये शियर फोर्स डायग्राम आ गया राइट। हम पॉजिटिव ऊपर बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं हम, इसी तरह बनाते हैं ना, ये UDL है तो इसका इस तरह से आ गया, मैं अनडिफॉर्म शेप में जाता हूँ। हाँ इस तरह से आता है UDL कैंटिलीवर शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तुमको अगर कंफ्यूज है तुम तीनों क्लिक करके देख लेना। मैं MY क्यों ले रहा हूं, बिकॉज अगर तुम यहां पे देखोगे तो मोमेंट इज अप्लाइड, लोड इज अप्लाइड वर्टिकल जेड डायरेक्शन, सो मोमेंट विल बी अप्रोक, इट विल बी अबाउट y एक्सिस के अबाउट में होगा ना, y एक्सिस इज योर ट्रांसवर्स, सो अबाउट y एक्सिस इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। आई गो ओवर हियर, आई जस्ट प्लॉट, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो। I'll switch off the load and display. ये bending moment diagram. Next time, मुझे simply supported and cantilever का